तरबियती प्रोग्राम है, लोगों को नहीं इन चीज़ों का पता, ना इनको इल्म है इन चीज़, ना ही हमें इन चीज़ों का इल्म था। इन प्रोग्रामों से फ़ायदा ये है कि लोगों को शऊर पैदा होता है कि हमने क्या करना है। इस प्रोग्राम से हमें इसका क्या पता चला था कि हम, मतलब पूछ मैं इसलिए रहा हूँ, एक तो रिवाइज हो जाए, दूसरा हमारी जो व्यूवर्स हैं इनको पता चले, और फिर ये भी सीखने की, इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जिस वक्त हमें मालूमात नहीं थी इतनी ज्यादा, तो यही बिल्कुल तरीकेकार चलता था, और पहले के लोग तो इस पे ही होते थे कि जी जो गली में आया और जिसने दरवाजा खटखटाया या आवाज लगाई तो उसको दे दिया। और बाद में हमें जो कुछ मालूमात आई तो पता लगा कि यह तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके मुस्तहिक होते ही नहीं है, और गैर मुस्तहिक को अगर हमने ज़कात दे दी तो हमारी ज़कात ही अदा नहीं हुई, और ये सिर्फ मालूमात के इल्म की कमी होती है हमारी। तो ये बहुत अच्छा रहा है, इस किस्म की चीज़ें वजाहत होती हैं कि किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। जो सोना नाबालिग की मिल्कियत हो गया, अब ज़हन में रखें, अब उसको वालदा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़कात किस पर फर्ज है? जो शराइत हमने बयान की, मुसलमान आकिल बालिग मालिक निसाब पर, और उसके माल पर जो है वो साल भी गुजर चुका हो, और उसके पास जो माल है वो हाजत असलिया से फारिग हो, इन तमाम चीज़ों की वजाहत आगे आती रही। एक बंदा जिस मकान में रहता है वो उसकी हाजत कहलाता है, पहनने के कपड़े, घर में इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, अपनी गाड़ी इस्तेमाल की जो होती हैं, सब हाजत की कहलाती हैं, इसको कहते हैं हाजत असलिया। तो हाजत असलिया से ज़ायद किसी के पास माल हो और वो माल नामी हो तो उस पर जो है ज़कात फ़र्ज होगी। एक शर्त क्या है? माल नामी होना। हर माल पे ज़कात लाजिम नहीं होती, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। चार किस्म के माल ऐसे हैं जिन पर ज़कात होती है, एक है सोना, और एक है चांदी, और तीसरी है करेंसी, किसी भी मुल्क की करेंसी हो, और चौथी है माले तिजारत। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि किसी के पास चराई के जानवर हों या ज़रई ज़मीन हो, उसकी जो पैदावार होती है उस पर ज़कात, वो एक अलग मैटर है। उमूमी तौर पे ये चार चीज़ें देखी जाती हैं। कौन कौन सी? मेरे साथ मिलके कहिए, सोना, चांदी, करेंसी, माले तिजारत। अब आप किसी भी चीज़ को देखेंगे यार इस पर ज़कात है या नहीं है, तो इन चार चीज़ों को जहन में रखें। क्या ये सोना है? क्या ये चांदी है? क्या ये करेंसी है? क्या ये माले तिजारत है या नहीं है? ठीक है, ये जहन में रखिएगा। चार किस्म के माल पे ज़कात होती है और किसी किस्म के माल पे ज़कात नहीं होती। सोना, चांदी, करेंसी, करेंसी में प्राइस पॉइंट वगैरह सब आ गए, और माले तिजारत। ठीक है, अब माले तिजारत किसे कहते हैं? माले तिजारत, तिजारत की आसान तारीफ ये है, कोई भी चीज़ आपने इस नियत से खरीदी हो कि मैं इसको बेचूंगा, वो कहलाती है माले तिजारत। कोई आपने मकान खरीदा, प्लाट खरीदा, गाड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, नियत ये है कि मैं इसको बेचूंगा, खरीदते वक्त ये नियत थी कि मैं इसको बेचूंगा, तो इस पर ज़कात होगी, ये माले तिजारत। अब खरीदते वक्त ये नियत थी कि मैं बेचूंगा, लेकिन बाद में नियत बदल गई कि नहीं, जैसे जो है प्लाट उसने खरीदा था, खरीदते वक्त तो ये नियत थी कि मैं इसको बेचूंगा, बाद में नियत बदल गई कि यार मैं इसको अपनी रिहायशी लिए रखूंगा, तो अब उस पर ज़कात नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह खरीदते वक्त तो रिहायश की नियत थी, बाद में नियत बनी यार इसको बेच देते हैं, नहीं होगी ज़कात। एक ही सूरत बचती है, खरीदते वक्त बेचने की नियत हो और वो नियत बरकरार भी हो तो ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। अब इसमें जो पहली चीज़ थी सोना चांदी, सोना चांदी पे देखें मुतलकन ज़कात होती है, चाहे वो इस्तेमाल में हो या ना हो, जेवर की सूरत में हो या कोई बर्तन की सूरत में हो, सोना चांदी किसी भी सूरत में हो, सोना चांदी में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि ये अपने इस्तेमाल में है या नहीं है, सोना चांदी में मुतलकन ज़कात होती है, जबकि उसकी मकदार हो, वो मकदार आगे बयान करो, और ये जहन में रखें। बाद लोग ये समझते हैं कि जो सोना इस्तेमाल में हो उसमें ज़कात नहीं होती, जो इस्तेमाल में ना हो उसमें ज़कात होती है, ऐसा नहीं है। इस्तेमाल में हो या ना हो, जिंदगी भर कभी इस्तेमाल ना किया हो उस पर ज़कात होगी, सोना चांदी में नियत नहीं देखी जाती। एक तो पहले क्या था, सोना, दूसरा चांदी, तीसरी क्या थी, नकदी, करेंसी, प्राइस बॉन्ड, किसी भी मुल्क की करेंसी आपके पास हो, डॉलर हो, दिनार हो, रियाल हो, पाकिस्तानी करेंसी या प्राइस बॉन्ड की सूरत में हो, तो इन पर ज़कात होती है, जबकि ज़रूरत से ज़ायद, हाजत से ज़ायद किसी के पास रखे में।
माले तिजारत, इसकी वजह में कर चुका हूँ। माले तिजारत किसे कहेंगे? खरीदते वक्त बेचने की नियत हो और वो नियत बरकरार भी हो तो उस पर ज़कात होगी, वरना ज़कात नहीं होगी। वो माल जिन पर ज़कात नहीं होती, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ज़कात नहीं होती, ये तो सब समझाने के लिए आपको बताई जा रही हैं। जैसे कि मकान, फर्नीचर, गोदाम, खाली प्लाट रखे हुए हैं, बेचने की नियत से नहीं वैसे रखे हुए हैं। इसी तरह गाड़ी, बाइक, खेल का सामान, घरेलू सामान, इसी तरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी किसी के पास रखी हुई है, सोना चांदी के अलावा हीरे जवाहरात रखे हुए हैं और अपने इस्तेमाल के लिए हैं, उन पर ज़कात नहीं होगी। इसी तरह दुकान में, कारखाने में, फैक्ट्री में जो औजार रखे हुए होते हैं, फैक्ट्री में मशीन रखी हुई होती है, उन पर भी ज़कात नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें बेचने के लिए नहीं होती, इसके ज़रिए से जो माल बनाया जाता है उसको बेचा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह किसी ने घर जो है किराए पर दिया हुआ हो, उस पर भी ज़कात नहीं होगी। अपनी रिहाइश के लिए घर है या आपने किराए पर दिया हुआ है तो उस पर भी ज़कात नहीं होगी। हाँ, जो किराया आपको आ रहा है और वो सेफ होता है और निसाब को पहुंचता है तो फिर होगी। अगर किराया भी खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, तो किराए पे भी ज़कात नहीं होगी। ये सारी चीज़ें ये इसलिए लिखी गई हैं, इन चार चीज़ों के अलावा बस आप कोई भी चीज़ तसव्वुर कर लें, सोना, चांदी, करेंसी, माले तिजारत, इसके अलावा कोई भी चीज़ आप तसव्वुर करें उस पर ज़कात नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों से सवालत कर लें, कोई तैयार है जवाब देने के लिए? चले आप लोग ही सवाल कर लें, कोई इसी से मुतालिक माइक दे दें किसी को। जी हजर, वालेकुम सलाम। क्या क्या चीज? जी बिल्कुल, आ गया। मैंने माले तिजारत की तारीफ ही यही की है कि कोई भी चीज़, फ्लैट, मकान, दुकान, गाड़ी, फर्नीचर, कोई भी चीज़ किसी ने इस नियत से खरीदी मैं उसको बेचूंगा तो वो माले तिजारत हो जाता है ना, उस पर ज़कात होती है। ये वो चीज़ें हैं, खाली प्लाट जो ऐसी रखा हुआ है, उसको विरासत में मिला है, किसी ने उसको गिफ्ट किया था, या उसने अपनी रिहाइश के लिए रखा हुआ है, या बच्चों के लिए रखा हुआ है कि ये बड़े होंगे इनके काम आएगा, ज़कात नहीं होगी। अगर खाली प्लाट इस नियत से रखा है कि मैं इसको बेचूंगा, खरीदते वक्त ही ये नियत थी मैं इसको बेचूंगा, तो ज़कात होगी, ठीक है। पहले तमाम मसाइल बयान कर लेते हैं, फिर सवाल आप लोगों से लेंगे इसी से मुतालिक, आगे चलते। अब आइए कि ये तो हमें पता चल गया कि चार चीज़ों पे ज़कात होती है, सोना चांदी भी। अब सोना चांदी कितना हो तो उस पर ज़कात होगी, करेंसी कितनी हो तो उस पर ज़कात होगी, माले तिजारत कितना हो तो उस पर ज़कात होगी। अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो, सोने से मतलब चार चीज़ों में से एक चीज़, यानी सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, माले तिजारत नहीं है और ज़रूर से ज़्यादा कोई रकम नहीं है, सिर्फ सोना है, तो 7.5 तोले सोना होगा तो ज़कात होगी, इससे कम सोने पर ज़कात नहीं होगी। सिर्फ सोना हो, चार चीज़ों की बात हो रही है, चार चीज़ों पे ज़कात है ना। अब चार चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ है किसी के पास सिर्फ सोना, बाकी चांदी नहीं है, करेंसी नहीं है, माले तिजारत नहीं है, सोना है, तो सोने का निसाब शरीयत ने बयान किया है 20 दिनार। 20 दिनार होते हैं 7.5 तोला सोना, और ग्राम में इसको 87.48 ग्राम, ठीक है, ये सोना। इससे कम किसी के पास सोना हो, सिर्फ सोना, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। सुनते रहिए, अब किसी के पास सिर्फ चांदी है, बाकी सोना नहीं है, नकदी नहीं है, माले तिजारत नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो चांदी कितनी हो तो 52.5 तोला, 200 दिरहम, यानी 52.5 तोला चांदी किसी के पास होगी तो ज़कात होगी, इससे कम में ज़कात नहीं होगी। अब नकदी, करेंसी ये कितनी होनी चाहिए, किसी ने बीसी डाली है, कितनी रकम जमा हो गई तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। तो नकदी, करेंसी और माले तिजारत में देखा जाता है 52.5 तोला चांदी के बराबर जो रकम है, आप वो समझ लें 80,000 कितनी है। तकरीबन मैंने आपको बताया 1510 रुपये तोला चांदी चल रही है आजकल के रेट है, तो तकरीबन 80,000 के करीब करीब है, तो 80,000 जहन में बिठा लें। अब किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा क्या, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, अब सैलरी आई है, महाना अखराजात भी होते हैं घर के, ज़रूरी अखराजात होते हैं, वो निकालने के बाद जो रकम बचती है उसको ज़रूरत से ज़्यादा कहते हैं। इसी तरह कमेटी डाली भी है, ये भी ज़रूरत से ज़्यादा है, बचा कर डाल रहा है। तो 80,000 किसी के पास हो या 80,000 मालियत का माले तिजारत हो तो फिर ज़कात होगी। ये तो मैंने अलहदा बयान हुआ, अगर सिर्फ सोना हो तो कितना सोना हो, अगर सिर्फ चांदी हो तो कितनी चांदी हो, 52.5 तोला,
सिर्फ किसी के पास नकदी हो तो कितनी हो, 80,000। सिर्फ किसी के पास माल तजारत हो तो कितना हो, 80,000 के लगभग। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ सूरत हाल क्या होती है, किसी के पास सोना भी होता है, चांदी भी होता है, करेंसी भी होती है, लेकिन निसाब से कम होती है। अब तसव्वुर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे किसी के पास 1 तोला सोना है और 1 तोला चांदी है। देखा जाए तो सोने का निसाब भी पूरा नहीं हो रहा, चांदी का निसाब भी पूरा नहीं है। अब क्या करें? अब शरीयत कहती है जब इस तरह के माल जमा हो जाएं तो इनको आपस में मिला लें, सोने को चांदी या चांदी को सोना करके देखें निसाब बनता नहीं बनता। और फी जमाना 1 तोला सोना तो 1,30,000 तक पहुंच गया। 1 तोला सोने को हम अगर हम चांदी करें और 52.5 तोला चांदी कितनी की आ रही है, 80,000 की। 1 तोला सोना कितने का, 1,30,000 का। तो इस तरह मिलाकर चांदी का निसाब बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ सोने सोना था तो हमने सोना नहीं मिलाया। सवाल ये पैदा होता है, मुफ्ती साहब आपने कहा एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि 7.5 तोले से कम सोने पर ज़कात नहीं, और दूसरी तरफ ये है कि 1 तोला सोना हो 1 तोला चांदी तो ज़कात है। क्या फर्क है? अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो ना, फिर कीमत को नहीं देख, फिर वजन देखते, 7.5 तोला है या नहीं। 4 चीजों में से एक ही चीज सोना है तो फिर वजन देखेंगे, चाहे किसी के पास 7 तोले भी होगा, सिर्फ सोना है तो ज़कात नहीं होगा। कीमत को जब देखते हैं, जब उसके साथ दूसरी चीज मिले, सोने के साथ चांदी या करेंसी या माले तिजारत, इनको मिलाकर फिर चांदी का निसाब देखा जाता है। ठीक है जी, इसी तरह किसी के पास अब चारों चीजें हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी हैं, तो वही मिलाकर हम देखेंगे भी 80,000 बन रहा है नहीं बन रहा, 52.5 तोले चांदी के बराबर बन रहा नहीं बन रहा। अगर बन रहा होगा तो ज़कात होगी, वरना ज़कात नहीं होगी। ठीक है जी, 4 चीजों पे ज़कात, सोना, चांदी, करेंसी, माले तिजारत। ठीक है, और दूसरी चीज हमने इसका निसाब भी बयान कर दिया। सोने का निसाब क्या है, 7.5 तोला, और चांदी का निसाब क्या है, 52.5 तोला चांदी, और बाकी करेंसी और माले तिजारत कितना होने चाहिए, 52.5 तोला चांदी, यानी 80,000। तो मैंने आपको बातें बताई है ना, ये 4 चीजें इन्होंने जिक्र कर दी। सिर्फ सोना हो, सिर्फ चांदी हो, कोई से 2 माल हो, कोई से 3 माल हो। अब सिर्फ सोना हो यानी सोना है, बाकी चीज कोई नहीं है, तो कहा कि 7.5 तोले सोना होगा ज़कात होगा। नजर आ रहा है आप लोगों को? अगर सिर्फ चांदी हो यानी सिर्फ चांदी है, सोना नहीं है, नकदी नहीं है, माले तजारत नहीं है, 52.5 तोला चांदी होगी तो ज़कात होगी। अब किसी के पास कोई से 2 माल है यानी सोना चांदी है, सोना है चांदी है, बाकी नकदी माले तजारत नहीं है, तो फिर कीमत का एतबार करेंगे, 52.5 तोले चांदी की कीमत का एतबार किया जाएगा। यानी वही चीज जो मैंने आपको समझाई है, वही नक्शे में बयान की गई है। एक अकेली चीज देखेंगे तो उसका वजन सोना और चांदी के एतबार से, सिर्फ सोना है तो वजन देखेंगे, सिर्फ चांदी है तो वजन देखेंगे। वो वजन क्या बयान हुआ, सोने का 7.5 तोला और चांदी का 52.5 तोला, माले तजारत और नकदी में 52.5 तोला चांदी की मिकदार को ये देखा जाएगा। मसारिफ ज़कात से क्या मुराद है कि ज़कात किसको दी जाए, किस किस को ज़कात दे सकते हैं, ये सुन लेते हैं। अब शरीयत ने जो मसारिफ ज़कात बयान की हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमस सदकातु लिलफुकरा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम वफिर रिकाबी वल गारिमीन वफी सबीलिल्लाहि वबनिस सबील फरीदतन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि ज़कात इनके लिए है, फुकरा के लिए, और फकीर किसे कहते हैं, इसकी वजाहत तारीफ में करूँ। हमारे जो मांगने वाले फकीर फिरते हैं वो फकीर मुराद नहीं है। ज़कात किन के लिए है, मसाकीन के लिए। मिस्कीन किसे कहते हैं, ये भी वजाहत इंशाल्लाह इसकी भी तारीफ बयान हो। और इसी तरह ज़कात किन के लिए है, जो ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। पहले आमिल मुकर्रर किया जाता है, बादशाह की तरफ से, खलीफा की तरफ से किसी को मुकर्रर किया जाता था, वो लोगों से ज़कात इकट्ठे करते थे, वो आमिलीन ज़कात कहा जाता था। अब तो ऐसा निज़ाम नहीं। और इसी तरह शुरू इस्लाम में लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत, इस्लाम से करीब लाने के लिए दिया जाता था, ये शुरू इस्लाम में इसकी इजाजत थी। इसी तरह गारिमीन यानी जो मकरूज हैं, जो लोग मकरूज हैं उन्हें भी ज़कात दे सकते हैं। अब देखें कहीं बेवा बयान नहीं हो रहे, यहाँ पर कुरान में कहीं नहीं लिखा कि बेवा हो तो ज़कात दे सकते। मकरूज जिस पर कर्जा हो, इतना कर्जा हो कि जो कुछ उसके पास है उसका कर्जा अदा ना हो, या देकर निसाब के निसाब से बहुत कम बचे, ठीक है ना, तो ऐसे मकरूज को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह वफी सबीलिल्लाह जो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की राह में मुराद जो जिहाद के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो मोहताज हैं तो उनको दे सकते हैं। हज के लिए जा रहे हैं, कोई शख्स जा रहा है और मोहताज है, उसका तो सवाल करना जायज़ नहीं होगा, लेकिन उसको अगर मोहताज है तो दे सकते हैं। तो वफी सबीलिल्लाह में आ गया। वो अपने सबील से मुराद मुसाफिर है, कि जो मुसाफिर है उसे ज़कात दे सकते हैं। क्या होता है कि भाई कोई शख्स सफ़र कर रहा है, पहले तो ऐसा होता था ना, सफ़र के दौरान माल ख़त्म हो गया, अब
माल उसके अपने शहर में रखा हुआ है, शहर बहुत दूर है, अब उसको ज़रूरत है, ऐसे मुसाफिर के लिए कहा कि इसे ज़कात दे सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो उस वक्त को ऐसा ज़राया बलाग नहीं था, अब तो बहुत आम हो गया, अभी तो इजी पैसा फलां अकाउंट के जरिए से फौरन चीज़ मंगवा ली जाती। लेकिन आज के दौर में भी ये सूरत पेश आ सकती है, कोई शख्स सफ़र में हो और उसके पास कोई ज़राए ना हो, पैसे ख़त्म हो गए हैं उसके अपने शहर में लेकिन वो मंगवा नहीं सकता और उसको हाजत है, ऐसे शख्स को भी ज़कात दे सकते, ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात दे सकते। तकरीबन 8 मसारिफ जो है ये कुरान में बयान हुए हैं। अब मैं ये आपको बता रहा था कि इसमें उमूमी तौर पर हमारे एक कॉन्सेप्ट क्या है कि यार बेवा हो तो उसको ज़कात दें, कुरान में तो कहीं नहीं आया, ठीक है, कि कोई शख्स कोई बेवा होगी तो उसको ज़कात देंगे, ऐसा नहीं। तो इस तरह क्या नुकसान हो रहा है कि लोगों की ज़कातें ज़ाया हो रही हैं, कई बेवाएं ऐसी होती हैं इन पर ज़कात खुद फ़र्ज़ होती है निकालना, लेकिन आम लोग ये समझ रहे होते हैं बस बेवा हो गई तो उसको ज़कात दें, ऐसा नहीं। मज़ीद आगे चल, अब फ़कीर कुरान में आया ना, फ़कीर को ज़कात दे सकते। फ़कीर किसे कहते हैं? फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ ना कुछ होता है लेकिन इतना नहीं होता कि निसाब को पहुंच जाए, जो निसाब बयान किया ना मैंने ज़कात का, सोना चांदी वगैरह थोड़ा बहुत है, गुजारे लायक है, इतना नहीं है निसाब को पहुंचे, ठीक है, उसको ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन उसे कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो, हत्ता के पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भी कुछ ना हो, उससे भी ज़कात दे सकते हैं। तो मिस्कीन का सवाल करना तो जायज़ है, फ़कीर का बिला ज़रूरत सवाल करना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह मकरूज़ की मैंने वजाहत कर दी, अगरचे उसके पास 5 लाख रुपए रखे हुए हैं बिल पर लेकिन वो है 10 लाख का मकरूज़, यानी कर्जा निकाले तो फिर भी 5 लाख का मकरूज़ रहेगा, तो वो ऐसे शख्स को कर्जा उतारने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। आगे चलिए, अब हमने क्या चीज़ देखनी है? उम्मीद तौर पर परेशानी ये होती है यार ज़कात हम दें तो हम ये कैसे पहचानें कि ये शख्स जो है वो मुस्तहिक है, इसको ज़कात दी जा सकती है। बस इसमें हमने जो चीज़ मियार जो रखना है, मालियत कितनी मालियत वो रखनी है 52.5 तोला चांदी, जो मैंने आज के रेट बताया 80,000। अब ये देखना है यार 80,000 के लगभग इसके पास कोई माल तो नहीं है, कोई सोना तो नहीं है, अगरचे उसके पास 1 तोला सोना हो ना किसी के पास, अगरचे उस पर ज़कात नहीं है लेकिन ऐसे शख्स को ज़कात दे नहीं सकते, ऐसे शख्स को ज़कात दे नहीं सकते क्योंकि वही 80,000 की मालियत से ज्यादा है इसके पास सोना, ठीक है ना। इसी तरह जरूरत से जायद कोई चीजें घर में रखी हुई हैं और कोई चीजें हैं तो अगर वो 52.5 तोला चांदी को पहुंच रही हैं 80,000 को, तो उसको ज़कात नहीं दे सकते। और आसान कर देता हूँ, शरीयत ने आसानी दी है, मैं क्या आसानी दूंगा? शरीयत ने बस ये आपको मुकल्लफ किया है कि आप देते वक्त थोड़ा सा तो गौर कर लें यार ये मुस्तहिक है या नहीं। आपको मुस्तहिक लग रहा है, आपने मुस्तहिक समझ के ज़कात दे दी, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर चे बाद में आपको पता चले यार के पास तो ये भी था बस सोना भी था लेकिन आपकी ज़कात अदा होगा, क्योंकि आपने देते वक्त उसे मुस्तहिक समझ के दिया था। बस शरीयत ने इसी चीज का आपका मुकल्लफ किया, मुस्तहिक समझ के दें, ठीक है, इस तरह बगैर समझे ज़कात ना दिया करें। अब कौन कौन से रिश्तेदार ऐसे हैं, कौन कौन से अफराद ऐसे हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, कौन से अफराद ऐसे हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, ये भी समझ लेते हैं। अब जो शख्स हाशमी हो, हाशमी से मुराद यहाँ पर क्या है, सिर्फ सैयद नहीं होते, बनु हाशिम से जिनका ताल्लुक होता है, इन्हें आप अलैहिस्सलाम के चचा और उनकी औलाद, जैसे जो अब्बासी हैं, अलवी हैं, ठीक है ना, आवान हैं, आवान भी मशहूर यही है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से हैं, इन्हें ज़कात नहीं दे सकते, ये सब बनु हाशिम में आते हैं, ठीक है, सैयद हाशमी, अब्बासी, अलवी, आवान, इन्हें ये सब बनु हाशिम के कबीले से आते हैं, इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। ये सोना मेरे फलां बेटे का है, ये सोना मेरे फलां बेटे का है, तो वालिद के कहने से हो जाएगा नाबालिग के लिए, ठीक है ना। अब आपके सवाल को रखते हुए, जो सोना नाबालिग की मिल्कियत हो गया, अब जहन में रखें, अब उसको वालदा इस्तेमाल नहीं कर सकती, या ये हो सकता है बच्चों को दे, बच्चों के लिए जी वो इस्तेमाल भी कर रही होती है तो ये जायज़ नहीं है, बच्चों की मिल्कियत में दे दिया, अब उसको संभाल के रखें, उस पर तो ज़कात नहीं है क्योंकि नाबालिग पर ज़कात नहीं होती है ना जब तक वो बालिग ना हो जाए। हाँ, जो एक सेट उसने अपने लिए बचा के रखा हुआ है, जैसे आपने मिसाल दी 2 तोला सोना, अगर तो और तो उसके पास कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा था चांदी, माले तजारत, करेंसी कुछ नहीं है, तो उस 2 तोले सोने पर ज़कात नहीं होगी। अगर बालिग, ये नाबालिग की मैं मसाइल बयान की, अगर बालिग के लिए
अगर कह जैसे बच्ची बालिग हो गई, उसकी शादी के लिए सोना रखा हुआ है, तो वो वालिदैन का ही कहलाएगा। बाप भी अगरचे कहे फिर भी उसका ही कहलाएगा। वजह यह है कि बालिग के कब्जे में देना जरूरी है। अगर बच्ची बड़ी हो गई है 15 साल से और नीयत यह है कि इनकी शादी के लिए सोना जमा कर रहे हैं, तो वो वालिद ने अगर खरीदा तो वालिद ही मालिक होंगे, या वालदा ने अपने सोने में ये नीयत की थी कि इस बच्ची का है तो वालदा ही मालिक होंगी, उसकी ज़कात वही देती रहेंगी। दूसरा सवाल आपने क्या किया था? हाँ, दूसरा सवाल ये किया था कि ज़कात जिसने अपनी नहीं निकाली माजी में, अब उसका इंतकाल हो जाता है, अब ज़कात नहीं अदा हो सकती ना, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए नीयत और सारी चीज़ें शर्त हैं। जो शख्स मालिक था वो खुद ही इंतकाल कर गया, अब उसका सारा का सारा माल अरका बन जाएगा, यानी विरासत बन जाएगा, और वो वरासा में तकसीम। जी जनाब, वालेकुम सलाम। किसी को अगर तारीख याद ना हो कि किस वक्त साहिब निसाब हुआ था, उससे वालिद मान करके कोई तारीख खत्म की जा सकती है और फिर हर साल उसी तारीख पर सरकार देखें। औरतों के पास जो जेवर होता है ना, उसकी तारीख निकालना तो बहुत आसान है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर शादी पर ही जेवर दिया जाता है, और शादी की तारीख कम ही ऐसे होंगे जिनको याद ना हो, तकरीबन याद ही होती है। तो कब शादी हुई थी और उस वक्त इस्लामी तारीख कौन सी थी, ठीक है? अगर मिसाल के तौर तो किसी औरत के पास जेवर आया शादी के मौके पर, महर के तौर पर आया था, मुंह दिखाई के तौर पर आया था, या उसके घर वालों ने उसको जो बना कर दिया था, ससुराल वालों से जो मिला था शादी के मौके पर, तो उसी वक्त उसके कब्जे में आता है, तो वो इस्लामी तारीख मालूम करना तो आसान है, ठीक है ना, वो नेट के जरिए से पता चल जाए। उसी इस्लामी तारीख को हर साल ज़कात निकालना उस पर लाजिम होगा। अब ये सूरत भी होती है जैसे कि हजरत ने फरमाया कि जो कारोबार करते हैं, जिन्होंने पैसे थोड़े थोड़े जमा किए होते हैं, तो वो भूल जाते हैं यार मैं साहिब निसाब कब हुआ था, पैसे जमा करते करते 80,000 कब हुए थे, समझाने के लिए 52.5 लाख चांदी, मैं साहिब निसाब कब हुआ था। अब इसमें ये करें कि ज्यादा से ज्यादा आदमी गालिब गुमान कर ले, थोड़ा सोचे गौर करे कि क्या के कौन से ऐसे मौके थे मेरे पास पैसे आए थे, तो जिस तरफ जहन ज्यादा गालिब करता हो यार ये तारीख है ये इस्लामी महीना है, तो उसी हिसाब से वो ज़कात निकालता है। जी अल्लामा साहब माशाल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शोर ही करता है बेचारा और कौन करेगा। हाँ ये पूछना चाह रहे हैं, तो बीवी के सोने की ज़कात कौन अदा करेगा? चोर अदा करेगा ना, वो कमाती थोड़ी है, यही कहते हैं ना भाई, हम थोड़ी कमाते हैं, हम कहाँ से अदा करें। तो आप कहें सोना बेच के अदा करो, मैं तो अदा नहीं कर रहा। खैर ऐसे नहीं कहना, मसला ये है, शरी मसला ये है कि सोने की औरत की मिल्कियत है ना, तो ज़कात उसी पर बनती है, निकालना उसी पर फ़र्ज है। अगर शोहर उसकी तरफ से निकाल लेता है तो जायज़ है, लेकिन शोहर पर लाजिम नहीं है, ठीक है ना। औरत ये कहे कि मैं ये उज़र बनाए कि मेरा शोर तो निकालता नहीं है, मैं कैसे निकालूं, नहीं, गुनाहगार होगी। उस पर लाजिम होगा या तो कर्ज ले या अपना सोना बेच के ज़कात दे, ज़कात देना लाजिम। पहला सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। देखें जिसको ज़कात दे रहे हैं ना उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। फ़कीरों को आपने अपने घर में खाना खिला दिया, ज़कात अदा नहीं होगी, बांध के दे दिया ले जाओ ज़कात अदा हो जाएगी। घर में खाना खिलाना ये मिल्कियत में देना नहीं होता ना, मालिक बनाना ज़रूरी है। अब वो जो मैंने मिसाल दी थी कि वो उन्होंने मदरसे की तामीरात में ज़कात फितरा लगा दिया, तो उसमें किसी को मालिक नहीं बनाया उन्होंने, वो शर्त नहीं पाई गई ना। अगर शरीफ फकीर की मिल्कियत में आता वो तामीरात में लगा देता वो जायज़ था, वो ऐसा हुआ नहीं। और दूसरा आपने सवाल पूछा, ये भी बहुत अहम है, किसी के पास जो है यकुम रमज़ान को 1 लाख रुपए थे, अब दौरान साल थोड़े हो जाते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, अब अगले साल फिर यकुम रमज़ान को 1 लाख रुपये होते हैं, तो ज़कात देगा नहीं देगा? भाई ये जहन में रखें, दौरान साल बिल्कुल ज़ीरो ना हो। अगर 1 लाख रुपए थे फिर 50 हो गए, 40 हो गए, फिर 70 हो गए, फिर 10 हो गए, बिल्कुल जीरो नहीं हुए आप, और अगले रमजान को फिर आपके पास 1 लाख हैं, तो उसकी ज़कात देंगे। अगर बीच में आपका पूरा निसाब खत्म हो गया दौरान साल, 1 रुपया भी ना बचा, तो फिर अब आपका वो निसाब खत्म, अब दोबारा से जब आप साहिब निसाब होंगे आपके पास 80,000 आएंगे, तो फिर आपका साल शुरू होगा। बिल्कुल ज़कात होगी, सेविंग सर्टिफिकेट मिल्कियत ही होते हैं, बस ये है कि वो निकला नहीं सकता, उसकी वीक होता है, इतने सालों बाद जाके निकाल सकता है ना। अव्वल तो ये मसला जहन में रखें, सेविंग सर्टिफिकेट लेना जायज़ नहीं, इसमें जो मुनाफा मिलता है वो सूद है, हराम है।
ठीक है। मुनाफे पर कोई ज़कात नहीं हो तो पूरा पूरा सदका करना होता है। टाइमिंग सर्टिफिकेट में आपकी जितनी अपनी मालियत है उस पर साल ब साल ज़कात वाजिब होती रहेगी, अगरचे निकालना वाजिब नहीं आपके पास नहीं है, जब वो आपको मिलेंगे सालों बाद फिर इकट्ठी ज़कात निकालने को। सवाल ये पूछा है कि शोहर जो है वो सैयद नहीं है, बीवी जो है वो सईदा है, तो क्या बच्चे बच्चों को ज़कात दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वालिद बाप अगर सैयद ना हो, माँ सैयद हो, तो माँ के सैयद सईदा होने से बच्चे सैयद नहीं कहलाएंगे। नसब बाप से चलता है ना, कास्ट जो होती है बाप से चलती है। तो वालिद अगर सैयद हैं हाशमी घराने से, तो उनके बच्चे भी सैयद हाशमी होंगे वालदा की वजह से। और जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उनको बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है, देने की नियत जरूरी है, वो ज़कात की नियत से दे। और जिसको दे रहा है कोई भी नाम ईदी तोहफा या बच्चों के लिए इस तरह करके दे सकता है। बाद लोग होते हैं ना जरो उनको जरा फील होता है कि ज़कात लेना, होते हैं मुस्तहिक हैं लेकिन ज़कात लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं यार सफेद पोश हैं मुस्तहिक हैं, आप उनको वैसे ही दे दें ज़कात, बताएं नहीं, उनको बताना वैसे भी जरूरी नहीं होता। अलबत्त देने वाले की नियत ये जरूरी है कि ज़कात की नियत से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम अज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह हमारा यहाँ बैठना, इल्म दीन सीखना सिखाना अपने बारगाह में कबूल फरमा, इसमें जो गलती हुई है रहमत से माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे हमारे वालदेन की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें शरीयत के तमाम अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी हमारे वालदीन की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हम में से हमारे अज़ीज़ व क़ारीब में से अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजला अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बुलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुकाला फरमा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम फरमा, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, नेक सालेह हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, ईमान व आफियत के साथ खात्मा अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। لا إله إلا أنت
أستغفر وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل الجند والكرم والآلاء وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين यहाँ पे मेरा ख्याल ये दूसरा प्रोग्राम है इस मस्जिद में माशाल्लाह। और यहाँ तरबियती प्रोग्राम है, लोगों को नहीं इन चीज़ों का पता, ना इनको इल्म है, इन चीज़ ना ही हमें इन चीज़ों का इल्म था। इन प्रोग्रामों से फ़ायदा ये है कि लोगों को शऊर पैदा होता है कि हमने क्या करना है, क्या हमें ये देनी चाहिए, ज़कात किस तरीके से देनी चाहिए और किन लोगों को देनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरा ख्याल है ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को मालूमात में इजाफा हो। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं, एक तो ज़कात का मामला हमारा ऐसा है कि ये साल में एक दफ़ा का काम होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सीखी भी होती हैं, समझी भी होती हैं, लेकिन क्योंकि साल में एक दफ़ा होता है तो हमारे जहन से वो ओझल हो जाती हैं। इस किस्म के प्रोग्राम में नई मालूमात भी बहुत मिलती है और पुरानी चीज़ें सारी रिवाइज़ हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस किस्म के प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए ताकि जो कभी बेशी हमारे जहन में होती है और वो हम गलती कर जाते हैं ज़कात के हवाले से, उनसे हम बच सकें। और दावत इस्लामी का बहुत ज़बरदस्त ये काम है और मैं समझूंगा कि हमारे अहले मोहल्ला पर और उन लोगों पर बहुत इन्होंने करम किया कि इस किस्म के प्रोग्राम हमारी मस्जिद में रखा, इन्होंने हमारे इलाके में रखा। ऐसे प्रोग्राम बिल्कुल होने चाहिए और ये बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, ज़कात के हवाले से अहमियत भी पता लगती है और मसाइल भी पता लगते हैं ऐसे भी। क्योंकि पहले देखा जाता था ना कि शाह साहब लोग फ़कीर आए गली में, दरवाज़ा खटखट आया कि भाई ज़कात दे दो, और लोगों ने दे दी। तो इस प्रोग्राम से हमें इसका क्या पता चला, ताकि हम मतलब पूछ में इसलिए रहा हूँ कि एक तो रिवाइज़ हो जाए, दूसरा हमारी जो व्यूअर्स हैं इनको पता चले और फिर ये भी सीखने की इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और जिस वक्त हमें मालूमात नहीं थी इतनी ज़्यादा तो यही बिल्कुल तरीक़ेकार चलता था और पहले के लोग तो इस पर ही होते थे कि जी जो गली में आया और जिसने दरवाज़ा खटखटाया या आवाज़ लगाई तो उसको दे दिया। और बाद में हमें जो कुछ मालूम आई तो पता लगा कि यह तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके मुस्तहिक होते ही नहीं हैं, और गैर मुस्तहिक को अगर हमने ज़कात दे दी तो हमारी ज़कात ही अदा नहीं हुई। और ये सिर्फ मालूम के इल्म की कमी होती है हमारी। तो ये बहुत अच्छा रहा है, इस किस्म की चीज़ें वजाहत होती हैं कि किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। तो मेरा एक चीज़ और भी बहुत मशहूर थी कि रिश्तेदारों को ज़कात नहीं देनी है, वो तो रिश्तेदार हैं, क्या सोचेंगे, तो इस बारे में हमने क्या सीखा? जी बिल्कुल सही फरमा रहे, बहुत अच्छा इस्लाम ने एक तरीका दिया और हमारे जो उलमा कराम ने हमें तरीका बताया है। इस तरीके से करने में किसी की इज्जत भी मजरूर नहीं होती और बहुत आराम से हम वो ज़कात दे सकते हैं और तोहफ़ा करके दे दें तो मेरा ख्याल सबसे आसान बेहतरीन हल है उसका। तो जो पहले अपने घर पर, हाँ ज़ाहिर, और असल जैसा भी फरमाया मुझ साहब ने कि सबसे पहला हक तो उसी का है जो आपके करीब में, आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में से, फिर उसके बाद दूसरे तीसरों का नंबर है। तो हम तो यही पहले झिझकते थे कि यार इन देंगे तो किस तरह से देंगे और क्या कह के देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त उसका हल मौजूद है कि तोहफ़ा कह के बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर वो साहिब मुस्तहिक हैं तो बिल्कुल उनको देना चाहिए। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, आपने माशाल्लाह हमारे ये भाई, इधर आइएगा, हमारे ये कारी साहब हैं, कारी साहब ने तिलावत करी, ये हम मिस कर गए, हमारा ये क्योंकि हम यहाँ थोड़ा लेट आए थे तो मिस कर गए, हम ना रिकॉर्ड कर नहीं सके। तो पहली तो इस चीज़ की माजरत बहुत बहुत कि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। और दूसरा ये कि इस वो ज़कात कोर्स से आप क्या समझते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ होगा और कहाँ कहाँ ये होना चाहिए? ज़कात कोर्स हर जगह होना चाहिए जहाँ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, अच्छी बात है, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, बहुत अच्छी बात है।